हे एवरीवन, तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डैंड्रफ के लिए सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। दो DIY शेयर करने वाली हूँ आज के वीडियो में मैं आपके साथ। तो उन DIY को अगर आप यूज़ करोगे वीक में 2 बार भी, तो आपका डैंड्रफ 100% कम होगा। और डैंड्रफ की वजह से ही हेयर फॉल होता है और बाल भी जो है ना बहुत ज़्यादा टूटते हैं और बहुत ज़्यादा थिन दिखते हैं हेयर। तो उसका सॉल्यूशन मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी DIY है, लेकिन आपके बालों का डैंड्रफ ये कम कर देंगे और आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनी भी होंगे। तो अगर आप ऐसे ही DIY हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, रिव्यू वीडियोस भी मैं मेरे चैनल पे करती हूँ, तो अगर ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और इंस्टा पे भी अगर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा का ID यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी और लिंक भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और पर्सनली जानना चाहते हो तो वहाँ पे DM करके मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हो। तो चलो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि डैंड्रफ होने की वजह क्या है। वजह जानोगे तो ही मतलब आपको उसका सॉल्यूशन भी पता चलेगा और जो DIY भी आप लगाओगे तो वो भी हेल्प करेगा आपके लिए। तो मतलब जो डैंड्रफ होता है ना बालों में, वो जनरली 2 रीज़न से होता है। तो पहला जो रीज़न है वो स्काल्प ज़्यादा ड्राई होने से। तो स्काल्प किस वजह से ड्राई होता है? आप ऑयलिंग नहीं करोगे तो स्काल्प ड्राई होगा। तो आपको ऑयलिंग करनी है अपने बालों की। ऑयलिंग आप वीक में 1 बार कर सकते हो या वीक में 2 टाइम्स भी कर सकते हो। वीक में एक टाइम भी किया तो भी सफिशियंट है, लेकिन ऑयलिंग करना ज़रूरी है। ऑयलिंग नहीं किया तो बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि स्काल्प को नरिशमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वीक में 1 बार आप ज़रूर से ऑयलिंग करो। और सेकेंड जो चीज़ होती है जिससे डैंड्रफ ज़्यादा होता है, तो वो सेकेंड चीज़ ये है कि शैम्पू ज़्यादा मत करो वीक में 3 टाइम्स से ज़्यादा। मैं तो रिकमेंड करूँगी वीक में 2 टाइम्स ही शैम्पू करो, उससे ज़्यादा मत करो। क्योंकि उससे ज़्यादा अगर शैम्पू करोगे तो बाल जो है ना बहुत ज़्यादा गिरेंगे। और गर्म पानी से भी हेयर वॉश ना करो, थोड़ा सा गुनगुना पानी हो तो उससे हेयर वॉश करो, तो ज़्यादा हेयर जो है ना ब्रेक भी नहीं होगे और गिरेगे भी नहीं। तो चलो अभी DIY शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। 2 DIY शेयर करूँगी, बनाने में 1 मिनट ही लगेगा, लेकिन कैसे लगाना है वो भी वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगी आपको। तो वीडियो लास्ट तक देखो, और अभी तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक भी कर देना। सो चलो अभी दिखाती हूँ कि DIY बनाना कैसे। तो फर्स्ट DIY में आपको हाफ लेमन ले लेना है और उसको अच्छी तरीके से स्क्वीज कर लेना है। लेमन जो होता है ना, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है। तो ये जो सारे इंग्रेडिएंट होते हैं ये हमारे स्काल्प को स्मूथ करने में हेल्प करते हैं और ड्राइनेस से बचाते हैं। और अगर स्काल्प ड्राई नहीं होगा तो हमारे बालों का डैंड्रफ कम होगा। अभी सेकेंड इन्ग्रीडियंट इसमें मैं कैस्टर ऑयल डाल रही हूँ। कैस्टर ऑयल जो होता है ये वो बहुत ज़्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे स्काल्प को, और ये बहुत ज़्यादा थिक होने की वजह से हमारे बालों का डैंड्रफ इससे 100% कम होगा। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि लगाना कैसे है। अभी मैं आपको सेकेंड DIY आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सेकेंड में आपको 1 टेबल स्पून कर्ड ले लेना है। इसको अच्छी तरीके से मतलब मिक्स कर लेना है, इसमें लम्ब्स नहीं होने चाहिए, तो अच्छी तरीके से बैठेगा ये अपनी हेयर में। तो इसके बाद कर्ड में आपको हनी मिक्स कर लेना है। हनी भी अराउंड 1 टेबल स्पून आप ले लो। हनी बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होने की वजह से ये आपके स्काल्प को ना जो भी मतलब ईचिंग हो रही है तो उससे बचाएगा, और जो भी मतलब जो भी इसमें डैंड्रफ हो गया है ज़्यादा, तो उसको भी ये कम करने में 100% हेल्प करेगा। अभी इसमें लास्ट में मैं डालूँगी लेमन फिर से, क्योंकि लेमन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें विटामिन सी होने की वजह से आपके बालों को अच्छे तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और बाल बहुत ज़्यादा सिल्की भी होंगे और मतलब गिरेंगे भी नहीं बाल। तो ये दोनों DIY बनके रेडी है। आप इसको ये दोनों DIY को फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो 1 वीक तक। अभी मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूँ। तो आप भी जब भी लगाओ तो आप इसको कॉटन बॉल पे लेके ना लगा सकते हो कुछ इस तरीके से स्काल्प में, जिसे मैं लगा रही हूँ वैसे लगा दो आप। और आप इसको ना
अच्छे तरीके से स्कैल्प में लगाओ, स्कैल्प में अच्छे तरीके से लगेगा तो ही ये फायदा है। इसको एंड्स पे वगैरह नहीं लगाना है हमारे, सिर्फ हमें इसको स्कैल्प में ही लगाना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से लगाओ आप, और आप इसको 15 या 20 मिनट तक या हाफ एन आवर तक भी रख सकते हो। और इसके बाद आपको ना नॉर्मल पानी से अपनी हेयर को वॉश कर लेना है, और रात को फिर से ऑयलिंग करके छोड़ देना है, और नेक्स्ट मॉर्निंग शैम्पू करो तो बहुत अच्छे से आपके बालों का डैंड्रफ कम होगा। सो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आपको मेरे वीडियो जो है ना, जब भी न्यू अपलोड करूँ तो आपके आपके यहाँ सबसे पहले आ जाए, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेना। तो यही था आज के वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक कमेंट भी कर देना, तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। सो यही था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।